हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कटहल की सब्जी बनाने जा रहे हैं। मैंने कटहल को छिल के काट लिया है और 1 केजी कटहल है। इसको हमने इसमें हल्का सा पानी हमने डाला है 2 से 3 चम्मच और हल्का थोड़ा सा हल्दी, आधा चम्मच हल्दी और आधा हाफ टेबल स्पून नमक डाला और हमने 1 सीटी मरवाया है इसको। सब्जी बनाने के लिए हमने 4 से 5 लौंग, हरी इलायची 2, दालचीनी का टुकड़ा, तेजपत्ता का 1 टुकड़ा जिसको हम 2 भाग में बांट देंगे, 1 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 2 चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच और काली मिर्च पाउडर चुटकी भर, 2 मीडियम साइज का प्याज हमने चॉप कर लिया है। कटहल की सब्जी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है। अब हम इसमें सरसों का तेल डालेंगे 2 से 3 चम्मच। कढ़ाई हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें जीरा डालेंगे। तेज पत्ता डालेंगे और सारे खड़े मसाले डालेंगे। अब हम इसको कुछ देर फ्राई करेंगे, उसके बाद हम मिर्च डालेंगे। प्याज और हरी मिर्च डालेंगे। कुछ देर हम इसको फ्राई करेंगे जब तक हल्का ब्राउन हो जाए। अब ये प्याज हो गया है, फ्राई हो गया है, हल्का ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसको भी हम 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे जब तक अदरक लहसुन अच्छे से भून ना जाए। अब मैं इसमें हल्दी डालूंगी। कटहल को बॉईल करते समय हमने हल्दी डाला था, इसलिए अभी इस टाइम हम थोड़ा कम हल्दी डालेंगे, 1/2 टेबल स्पून हल्दी डालेंगे। हम इसमें धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और काली मिर्च पाउडर डालेंगे और थोड़ी देर तक इसको फ्राई करेंगे। दो से तीन मिनट आपको इसको फ्राई करना है। जब ये चिपकने लगे तो इसमें फिर टमाटर डालेंगे। 3 मिनट फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। इसको भी हम 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। टमाटर गल जाए इसके लिए हल्का सा नमक डालेंगे और ध्यान से नमक डालिएगा, क्योंकि आपने कटहल को बॉईल करते हुए भी हमने नमक डाला था। फ्लेम को लो कर देंगे और कुछ देर तक हम इसको ढक देंगे जैसे टमाटर अच्छे से पक जाए। अब हम प्लेट को हटा के देखेंगे। देखिए मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें कटहल डालेंगे। कटहल डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। दो से तीन मिनट इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। मसाला जब हम फ्राई कर रहे थे उस टाइम हमने लो फ्लेम कर दिया था,
अभी कटहल डालने के बाद हम इसे हाई फ्लेम कर दिए हैं। अब हमारी ये सब्जी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। इसको अब हम मिक्स कर लेंगे, थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। पानी आप अपने आवश्यकता अनुसार डालेंगे, जितना आपको ग्रेवी रखना है उसके अकॉर्डिंग आप अपना पानी डालेंगे। मैंने 1 गिलास पानी डाला है इसमें। दो से 3 मिनट तक आप इसको बिना ढके पकाएंगे। अब कटहल की सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है, देखिए कितनी अच्छी दिख रही है। हेलो फ्रेंड, आप देख सकते हैं हमारी कटहल की सब्जी रेडी हो चुकी है और हमने धनिया पत्ती से गार्निशिंग किया है ऊपर से। आप इसको रोटी या पराठा के साथ गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप भी एक बार ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी सब्जी कैसी बनी है। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।